छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। राज्य में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबले देखने मिलने वाला है, यह ऐसा तय हो चुका है, जिसके लिए अब दोनों ही दल तैयारियों में जुट गए। इसी चुनावी सीजन में ओबीसी वर्ग की चर्चाएं जोरों पर है। ऐसे में हमने इस बात का पता लगाया कि आखिरकार छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार ओबीसी वर्ग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में चुनावी राज्यों में इस वर्ग की खासतौर से चर्चा होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के तहत कुल 95 जातियां आती हैं। डेटा जो सामने आया है उसके मुताबिक राज्य में करीब 47% आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। इन जातियों में सबसे ज्यादा 12% जनसंख्या साहू लोगों की है। आपको बता दें कि राज्य में 1/4 सीट पर इनका साफ साफ दबदबा है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ओबीसी वर्ग इस चुनाव में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हमने ये पता लगाने की कोशिश की कि राज्य में बीते कुछ चुनाव में कितने ओबीसी वर्ग के लोग जीत दर्ज करके विधायक बने हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2003 के विधानसभा चुनाव में कुल 19 और 2008 के चुनाव में 24, 2013 में यह आंकड़ा 24 का ही था और 2018 में 20 विधायक ओबीसी के थे। इससे पता यह लगता है कि 2013 के मुकाबले 2018 में ओबीसी विधायकों की संख्या में कमी आई। ओबीसी वर्ग की इसी ताकत को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुख्य दल उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि जब पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर चुनावी रैली करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे नहीं छोड़ा जब 2013-14 में चुनाव के मैदान में आया, तब मुझे इसलिए गाली दी जाती थी क्योंकि मैं ओबीसी समाज से आता था। ये इनकी मानसिकता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की, कांग्रेस ने ओबीसी को सिर्फ धोखा दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस मोदी सरकार पर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाती रही है और पार्टी जाति जनगणना करवाने की मांग भी लगातार उठा रही है। राहुल गांधी भी ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं, वहीं बीजेपी का 10 में से सिर्फ 1 ही सीएम ओबीसी समाज का। उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के लिए काम नहीं करते बल्कि ध्यान भटकाने का काम करते हैं। खैर, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स पर जमकर डोरे डालने की कोशिश हो रही है, ये कहना लाजमी है। वैसे तो राज्य में आदिवासी वर्ग का बोलबाला है, लेकिन ओबीसी वर्ग भी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, इसलिए ओबीसी की राजनीति सियासी दल जमकर कर रहे हैं। वैसे अब मात्र 3-4 दिनों का वक्त बचा है जब राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में इस बार 90 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव का आयोजन 2 चरणों में हो रहा है, 7 और 17 नवंबर को। इस चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे बाकी राज्यों के साथ। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल फिर से सीएम पद के दावेदार हैं, तो वहीं बीजेपी ने अभी तक अपना कोई भी चेहरा चुनाव में नहीं बनाया है। बीजेपी की एक कमी भी कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में कि पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा बड़ा नेतृत्व छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई पड़ा है। रमन सिंह भी चुनाव हारने के बाद से, जब कांग्रेस की सरकार आई छत्तीसगढ़ में, तब से ही लगातार उनकी जो सक्रियता है वो भी कम दिखाई पड़ी है। इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ नजर आ रही है, लेकिन इस बात की पुष्टि होगी तब जब चुनाव के परिणाम आएंगे और वो तारीख है 3 दिसंबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।